राम राम भाई सारण है। एक बार फिर से मंजीत एकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम हरियाणा की प्रमुख खबरें लेके हैं 24 अप्रैल 2024 की। चलो अब शुरुआत करते हैं। हरियाणा में कांग्रेस करा रही है एक और सर्वे, इस आधार पर तय होंगे प्रत्याशी। 124 गाड़ियां रद्द, 134 के मार्ग बदले गए, 25 लाख रिफंड, साथियों की रिहाई की मांग पर अड़े किसान। महावीर गुड्डू को मिला पद्मश्री, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दी बधाई, हरियाणियों को किया समर्पित। पूर्व शिक्षा मंत्री की फिसली, जुबान राव इंद्रजीत को बधाई मुख्यमंत्री। बिजली टावर लगाने के विरोध में उतरे किसान संगठन, आज गांव बिदवाना में होगी महापंचायत, लेंगे बड़ा फैसला। हरियाणा ने जिसका साथ दिया केंद्र में, उसी की सत्ता कई बार गठबंधन को भी अपनाया। भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर यूक्रेन की महिला ने अपनाया हिंदू धर्म, मरिया बनी कर्णेश्वरी। कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा पर पूर्व सांसद कुलदीप बिश्नोई का जवाब, एक्स पर कही ये बात। सरपंच एसोसिएशन ने करनाल लोकसभा सीट व उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के बहिष्कार का किया ऐलान। जजपा के वरिष्ठ नेता नंदलाल शर्मा ने दिया इस्तीफा। 26 अप्रैल को फिर से बदलेगा मौसम, येलो अलर्ट जारी। भारत के श्री अजय गुर्जर ने जीता 51,000 रुपये का इनामी दंगल। बयानबाजी कर नहीं बच पाएंगे भाजपा और जेजेपी नेता। पंजाब में अब भाजपा को झटका, एससी मोर्चा के उपाध्यक्ष रॉबिन सापला आम आदमी पार्टी में शामिल। मेयर चुनाव पर लटकी तलवार, चुनाव आयोग से अनुमति का इंतजार। सिविक सेंटर में गर्म है अटकलों का बाजार। दिल्ली के सियासी अखाड़े में बजरंगबली के जयकारे, हनुमान जयंती पर जनता ने दिखाई सियासी फिल्म। दिल्ली में वोट देने वालों को लंच बुफे पर 50% की छूट, मतदान बढ़ाने के लिए नगर निगम प्रयासरत। अरविंद केजरीवाल की बड़ी न्यायिक हिरासत, 7 मई को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली एनसीआर में तेज हवा के साथ बारिश, मौसम सुहाना होने से लोगों को गर्मी से मिली राहत। लखनऊ ने चेन्नई को 6 विकेट से हराया, ऋतुराज के शतक पर सैतनीस की 124 रनों की पारी पड़ी भारी। पॉइंट टेबल में राजस्थान सबसे ऊपर, आरसीबी सबसे नीचे। जूनियर बेसिक टीचर भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी। तो ये थी कुछ प्रमुख खबरें जो हम आपके लिए लेके आए थे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।